हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज़ गुड लाइफ। और मैं हूँ स्मिता। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से पिज़्ज़ा पराठा बनाना सिखा रही हूँ, बिना कोई तामझाम के। बस जैसे मैं घर पे बनाती हूँ, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनेगा। बस उसके लिए कुछ नहीं, एक पतली सी रोटी बेल लीजिए, जैसे कि आप हमेशा बनाते हैं नॉर्मल रोटी, और उस तरह से बेल के उस पर थोड़ा सा या तो सेजवान सॉस डाल दीजिए या पिज़्ज़ा सॉस डाल दीजिए, उसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। और फिर उस पर एक चीज़ स्लाइस डाल देंगे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा पराठा है और पिज़्ज़ा में अगर चीज़ ज़्यादा ना हो तो बच्चों को पसंद भी नहीं आएगा, तो इसलिए जितना चाहें उतना चीज़ आप डाल सकते हैं। तो पहले मैंने एक लेयर चीज़ स्लाइस का डाला, फिर उस पर थोड़ी सी प्याज कटी हुई डाली, और वेजिटेबल्स तो आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। मैंने प्याज डाला है, फिर शिमला मिर्च डाला है, और फिर उस पर जो उसके जो सीजनिंग्स होते हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़े से ओरिगैनो डाल देंगे, और फिर उस पर थोड़ा सा ढेर सारा ग्रेटेड चीज़ डालूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, और जितना ज़्यादा चीज़ डालेंगे यकीन मानिए बच्चों को उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस सिंपल सा तरीका है, ऊपर से फिर वही चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो हर्ब्स डाल देंगे, और फिर उसके ऊपर के लिए फिर से एक पतली सी रोटी बेलेंगे और फिर उसको उस पर कवर कर देंगे। क्योंकि ये हम पराठा बना रहे हैं तो ये खुला तो नहीं रहेगा। हाँ, मैं तो भूल गई, उसके ऊपर तो एक और चीज़ का स्लाइस दे देंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला मेरे बेटे को भी और जनरली सारे बच्चों को चीज़ बहुत ही पसंद आता है। तो बस ऊपर से फिर से एक चीज़ स्लाइस डाला और बस एक पतली सी रोटी जैसा कि मैंने आपको बोला बेल लिया और ऊपर से डाल के, और उसी तरह से उसे फोक से दबाकर प्रेस करके सील कर लेंगे ताकि कुछ बाहर ना आए, और फिर उसे खूब सारे बटर के साथ आप उसे सेक लें। आप ऑयल के साथ भी सेक सकते हैं, बट हाँ अगर बटर देंगे तो इसका टेस्ट ही कुछ डिफरेंट आएगा। और फिर उसे क्रिस्पी होने तक उसे अच्छे से सेक लेना है। आप दोनों तरफ बहुत अच्छे से बटर लगाइए, और यकीन मानिए मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद आता है, और एक तरह से ये हेल्दी भी हुआ। इसमें ना कोई मैदा यूज़ हुआ है और ना ईस्ट यूज़ हुआ है जो कि पिज़्ज़ा बेस के लिए लगता है। ये प्योर वीट फ्लावर से बना हुआ टेस्टी एंड हेल्दी पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा पराठा। अगर आप डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाए हैं तो यकीन मानिए ये पिज़्ज़ा खाकर आप उसका टेस्ट भूल जाएंगे, क्योंकि ये यकीनन बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी, टेस्टी और क्रिस्पी एंड हेल्दी पिज़्ज़ा बनता है। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे आपको बार बार परेशान करेंगे, तंग करेंगे बनाने को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक